अब बेटा सल्तनत कालीन सैन्य राज व्यवस्था में इल्तुतमिश से होता है, उस समय पर हमसे कल एक डिपार्टमेंट था जिसे बनाया गया, जिसको बोला गया बच्चों हमसे कल। ये डिपार्टमेंट बहुत सुंदर सुशील था। इस डिपार्टमेंट में केंद्रीय सेना सुल्तानी सेना कहलाती थी। सेना को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, इसके बदले उन्हें एकताएं प्रदान की जाती थी। सैन्य की सैन्य व्यवस्था का वर्गीकरण इसी समय पर खिलजी वंश के उत्थान के साथ होता है। मंगोल सेना का वर्गीकरण दशमलव प्रणाली पर आधारित था और दिल्ली सल्तनत में भी अपनाया गया। सेना के तीन भाग थे, घुड़सवार, गज सेना, पैदल सेना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण घुड़सेना थी, घुड़सवार सबसे ज्यादा थे। इल्तुतमिश के सैनिकों के वेतन के तौर पर एकता देने की प्रथा आरंभ की। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का प्रधान अलीजे मुबालिक कहलाता था, ठीक है। और सबसे पहले इस विभाग की स्थापना भारत में बलबन ने की। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी मलिक होता था। सेन के सुधारों की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी का शासन का सबसे महत्वपूर्ण है। उसने सीधी भर्ती और नगद वेतन देना स्टार्ट किया, एकता की प्रथा को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने और सैनिकों की चेहरा और दाग प्रथा को प्रारंभ किया। तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने अनुवांशिक कर दिया और एकताएं दोबारा दे दी। सेना में बाबर के आने से पहले तोप नहीं थी, ठीक है, क्या था, केवल पत्थर फेंकने वाली मशीनें हुआ करती थी। कुछ सुल्तान सेना में चुस्त रहने के लिए शिकार खेलने जाते थे। इसके बाद मुस्लिम कानून चार प्रकार के थे, कुरान, हदीस, इजाम एंड कायस, ठीक है। कुरान मुस्लिम के कानूनों का प्रमुख स्रोत है बेटा, इसमें मुस्लिम के कानूनों के बारे में सारी जानकारी आपको दी जाती है। हदीस में पैगंबर के बारे के कार्यों का उल्लेख है। इस्लामी कानून की व्यवस्था है। इजामा मुताहिस द्वारा व्याख्या की गई है। कानून अल्लाह की इच्छा का, अल्लाह की इच्छा का ही स्वरूप है। कयास तर्क और विश्लेषण के आधार पर कानून की व्याख्या। दिल्ली सल्तनत मुकदमों का निर्णय करने हेतु काजी और मुफ्तियों की सहायता करता था। प्रांतीय गवर्नर भी इस रूप में न्याय करते थे। सामान्य कानून, ये कानून केवल मुसलमानों के ऊपर ही लागू होते थे। फौजदारी कानून, ये कानून हिंदू मुसलमान दोनों के लिए बराबर थे। गैर मुसलमान के व्यक्तिगत कानून, सुल्तान हिंदुओं के सामाजिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करते थे और उनके मुकदमों का निर्णय उनके विद्वान, पंडित और ब्राह्मण द्वारा दिया जाता था। पूर्व मध्यकाल की तुलना में इस काल में सिक्कों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। मुद्रा का मानकीकरण का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इसने टंका और जीतल चलाया। प्रारंभ में दिल्ली सल्तनतों ने प्रचलित सिक्कों को अपनाया, इसलिए मोहम्मद गौरी के नाम के सिक्के और दूसरी देवी लक्ष्मी की आकृति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा संबंधी महत्वपूर्ण प्रयोग किए। उसने सोने का नया सिक्का चलाया जिसे दिनार बोला गया। उसने सोने और चांदी के सिक्कों की अदला बदली के नाम से सिक्के चलाए जिनका वजन 140 ग्रेन चांदी के बराबर था। फिरोज तुगलक ने अद्धा और भिक नामक सिक्के चलाए। अद्धा और चौथाई जीतल और तांबे और चांदी के मिश्रित दो सिक्के चलाए। तांबे के सिक्कों को सल्तनत काल में दिरहम कहा जाता था। सल्तनत काल में अन्य सिक्के जारी हुए, वो निम्न थे। दाम तांबे में फिरोज शाह तुगलक ने चलाया। शंशगनी चांदी का सिक्का फिरोज तुगलक ने चलाया। भारत में तुर्की सुल्तानों की आर्थिक नीति में मुस्लिम कानूनों विदो हनीफ विचारधारा के ढांचे पर थी और तुर्की सुल्तानों को गजनवियों से इन्होंने ये सारी आइडियोलॉजीज उठाई हुई थी। इस्लामी अर्थव्यवस्था में सिद्धांत बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा लिखित किताबुल खराज से लिपिबद्ध है। सल्तनत काल में पांच प्रकार के करते, उश्र मुसलमानों से, खराज गैर मुसलमानों से भूमिकर, खुम्स लूट के लिए, जकात मुसलमानों से और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर माना जाता है। अलाउद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़कर किसी सुल्तान ने भूमि की पैमाइश, लगान लेने की पद्धति नहीं रखी। पैदावार का अनुमान, लगान निश्चित कर दिया जाता था। खालसा जो केंद्र सरकार के नियंत्रण थे, एकता जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे और ये अधिकारियों के नियंत्रण में रहा करते थे। एकता अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है भूमि को विशेष खंडों में बांटकर सैनिकों को वेतन के बदले दिया जाना। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने एकता प्रारंभ की। बलबन ने एकता को जीवन भर के लिए प्रदान करने और उत्तराधिकारी को आसांतित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन प्रारंभ की और फिरोज तुगलक ने इसको वंशानुगत बना दिया। फिरोज तुगलक के शासन काल में सर्वाधिक एकताएं बांटी गई। सल्तनत काल के सुल्तानों के अधिकार में मुक्त भूमि में मोरलैंड के अनुदान में कहा है, यह अनुदान मिल्क राजा द्वारा प्राप्त वक्फ धर्म की सेवा कर आधार पर इनाम पेंशन के रूप में दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सुधारों के अंतर्गत जहां तक हो सका भू राजस्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया और इस प्रकार प्राचीन परंपरा को खत्म करने और गयासुद्दीन तुगलक ने काल में भूमियों को वापस इक्तदारों को लौटा दिया गया। यहां पर प्रशासन खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति।